Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से पेश करके उनके 14 दिनों की रिमांड मांगते हुए उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दूसरे सबूतों के साथ व्हाट्सएप चैट पेश करते हुए आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2021 के गोवा विधानसभा चुनाव में सभी 40 निर्वाचन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के हर एक उम्मीदवार को से खुद मुलाकात की थी और उनको 90 लाख रुपये देने का वादा किया था। सीबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता और विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की इच्छा के अनुसार पैसा खर्च किया गया है क्योंकि पूरा पैसा आपके फंड में भेजा गया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी और एजेंसी ट्रायल के लिए तैयार है। फिलहाल सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने विचार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और मामले को 3 सितंबर तक के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच भी 3 सितंबर तक ही की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से कम ब्लड शुगर के चलते भोजन करने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।